अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तुहाड़ा अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसिस ऑफ द पाकिस्तान दे नाल। इस वेले मैं सागरी शहर दे शिमाली हिस्से वाले पासे पहाड़ वाले पासे एक बन जिहड़ी कि सागरी शहर दी वो मशहूर बन ही, इस दियां बड़ियां खास जियां कोई यादां ही कुछ दोस्तां नाल जिहड़ा मैं शेयर करना चाहना। खास है चीज़ है कि असां ने एक दोस्त बड़े प्यारे मित्र गुरप्रीत आनंद साहब जड़े जिन्होंने फोर फादर्स जड़े ने इस शहर तो बिलोंग करने से सारा बिजनेस उन्होंने इत्थे सिया। ये सागरी शहर नहीं पहली बन है, शहर दाखिल होने तो बाद ये तुसां की पहली बन नज़र आनी है। ये सिख दौर दियां यादां, ये सत बोड़ां लगियां ने, एक बुजुर्ग ने इत्थे दे उन्होंने मैं दस्या कि भी ये बोड़ां जड़ियां हैं ये सिखां ने हथानियां लगियां हुई, क्योंकि इस शहर विच बहुत अरूज सी सिखां और हिंदू फैमलियां दा, ज़्यादा जड़ियां सियां सिख फैमलियां सियां तो थोड़ियां हिंदू फैमलियां सियां। ये तुसां जिहड़ी इतनी खूबसूरत बन नज़र आनी पी जो मैं तकाना पिया तुसां की है बन जड़ी है, इसका पत्थर जड़ा बहुत महंगा क्योंकि इस इलाके विच कोई सॉलिड पत्थर नहीं होना लागे। ये बट्टे ये पत्थर जड़े वे ये जिलम तो लोग किनके आने से जिलम तो किनके आने से बीदी महल भी इस पत्थर ना तैयार होया, तो ये जड़ा बन है ये भी इसे नाल। इस शहर विच टोटल चार बन्ना सियां, इस बन नू ज़रा ज़्यादा मकबूलियत हासिल सी, इस दे उत्ते मेहनत भी ज़्यादा की गई। ये ज़मीन तो कम अज़ कम कोई 18 फुट उच्चा चुक के बनाया गया ये बन। तुसी अंदाज़ा करो कि उस वक्त एक पत्थर की कढ़ाई जड़ी सी 2 आने सी और एक आदमी सिर्फ एक दिन च 2 पत्थर तैयार करना सी, दिहाड़ी 2 आने सी और बंदा सिर्फ 2 पत्थर तैयार करना सी, यानी कि 4 आने दे पत्थर होने सी लेकिन मजदूरी उसकी 2 आने मिलनी सी, इस वास्ते कि 2 आने जड़ा पत्थर लैके आना सी उसकी भी मिलनी सी। इत्थे ने मशहूर एक बाबा मास्टर फजल हुसैन साहब ने जिहड़े इत्थे सागरी स्कूल च पढ़ाने भी रहे, मैं उन्होंने दस्या कि ये जड़ी बन है ये खास बन है, इत्थै आनंद फैमिली ने भी खर्चा किया पैसे कुछ वेलफेयर आस्ते दिते लोगों आस्ते, और इस दे नाल बड़ी मज़े की गल है तुसी देखो कितना खूबसूरत एक ट्रैक बनया, चारों पासे ट्रैक बनया और इस दे नाल कम अज़ कम है 2-2 फुट के 3-3 फुट के 4-4 फुट के पत्थर जड़े ने ये सारे ला के बन नूं प्रॉपर जिहड़ा तैयार किया गया, ताकि अगर बरसात का पानी जिहड़ा कदे इत्थे कोई छोटा जिहा चवा सा चवे दे नाल जिहड़ी सी कस जिहड़ी बन सी ये भरी रहनी सी हर वेले, और इस विच जिहड़ा सा लोग नहाने से डंगर बच्छे जिहड़े से पानी पीने से उस वेले ते क्या बात है क्या रौनक हसन है, लोग गर्मी चो थके टुटे इस साइड तो पिंडी है पिंडी शहर तो आने से ते ए इस पासे तुसें कि मशरक आले पासे कलर शहर सा कलर शहर जाने रस्ते दे बिच दरमियान इच सागरी आनी सी, सागरी ओ सागरी खूबसूरत शहर से जिस इच गुजरे जमाने दे बड़े बड़े रईस जड़े सन वो इत्थे रहने सन। मैं अगे जुल के तुहानू सारा कुछ टिकाणा वा, वो कार भी वो मंदिर भी वो धर्मशाला भी वो सारा कुछ इत्थे रह गया, जाण वाले चले गए लेकिन सब कुछ इत्थे रह गया। मैं तुहानू दिखा रहा वा पहली 7 बोड़ां वाली बन जिहड़ी के सिख दौर च तैयार हुई और अज तक वापस है। इस विच जाण वास्ते ए देखो प्रॉपर सीढ़ियां जड़ियां ने वो हले तक मौजूद ने, ए तमाम सीढ़ियां जड़ियां ने इस विच पूरा सरोवर की शक्ल जड़ी है, ए देखो ए सीढ़ियां बनियां, उस तो बाद फिर ए सीढ़ियां ने, उस तो बाद इस पासे है फिर सीढ़ियां ने, इस तरह कुल मिला के इस विच तकरीबन 6 पासों सीढ़ियां लैनियां सी। इस विच पानी की ज़्यादा तो ज़्यादा तो जिहड़ी गहराई है वो 12 तो 14 फुट होनी, लेकिन अगर देखा जाए तो जमीन तो इसकी तकरीबन 18 फुट चाहिए थे इसने बन बनाया वा। इस ही वेलफेयर माइंडेड लोग ये सन वो लोग जिहड़े आपस में प्यार मुहब्बत और एकता बनाए हुए सन, तमाम लोग इत्थे आने सन तमाम लोग इत्थे नहाने सन कट्ठे, के हिंदू के मुस्लिम के सिख के ईसाई सब इस बनते आने से सारे ना प्यार सा।
हाय पंजाब दी वंड ते 47 विच है ही नहीं सी, फिर पंजाब क्यों वंडिया गया, पंजाब दे क्यों दो टोटे हुए, मैं आज भी सोचना वा। मेरा महान पंजाब, मेरा सारा पंजाब, मेरा इकट्ठा पंजाब। गुरप्रीत जी, मैं स्पेशली ये वीडियो कंपोज करन तुहाडे वास्ते इत्थे आया वा, तुहाडियां यादां नूं मैं ताज़ा करन लई आया वा। अज अपने बजुर्गों दियाँ वो जगह देख लो जिथे उन्होंने वेलफेयर के काम किया है, जिथे उन्होंने अपने हिंदू मुस्लिम ते सिख भरावां नाल रल के ये सारा कुछ बनवाया। बनाने तो बाद मैं बड़ी कोशिश की है कि मैं इसका प्राइमरी सोर्स लग सकता, लेकिन मैं प्राइमरी सोर्स नहीं लग सकया। ए तको ए पानी अज भी इतने डंगर बच्छे पीने, इंसान इस्तेमाल करने, तो उन्होंने लोगों वास्ते दुआ करने जिन्होंने बनाया। मैं तुहाडा अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसिस ऑफ द पाकिस्तान, अज दी शाम वीर गुरप्रीत आनंद जी दे नाम।